नमस्कार, हिमाचल प्राइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। सीएम जयराम ठाकुर सोमवार को मंडी जिले के धर्मपुर पहुंचे। तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर स्थानीय लोगों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम जयराम ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। सीएम जयराम ठाकुर का जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने भी स्वागत किया। आपको जानकारी दे दें तो धर्मपुर में सीएम जयराम ठाकुर ने 381 करोड़ की 96 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया और जनता को संबोधित भी किया। जनता को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भी जहां बिजली के जान को भी बचाना है और उसके साथ साथ में काम भी करना है, ये भी बहुत आवश्यक है। कई लोग हमारे बारे में टिप्पणी करते रहते हैं, हम लोगों के बारे में, हमारी सरकार के बारे में टिप्पणी करते रहते हैं, और आज मैं सच कह रहा हूं कि बहुत दुख होता है। हमारे विपक्ष के लोग तो सत्ता से इस वक्त पूरे देश में भी बाहर है, प्रदेश में भी बहुत जगह बाहर है, और हिमाचल में भी आप लोगों ने उनको बाहर करके रखा है। इतने बड़े संकट में भी वो राजनीति करते हैं, हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, सोशल मीडिया में, फेसबुक में डाल करके ऐसे बातें करने की कोशिश करते हैं कि मालूम नहीं कि कितनी पीढ़ियों से ये इलाज कर रहे थे कोरोना का। अगर उनसे पूछा जाए इस बात को कि कितने वेंटिलेटर थे आप 50 साल सत्ता में रहे, तो जवाब उनके पास नहीं है। और आज मेरे हिमाचल प्रदेश में 32 ऑक्सीजन के प्लांट लग चुके हैं, 32 ऑक्सीजन के प्लांट। मुझे सचमुच में कई बार दुख होता है इस बात को लेकर के राजनीतिक पार्टियां सिर्फ सत्ता हासिल के लिए नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां समाज के साथ भी अपना दुख दर्द बांटने के लिए, अपना काम करने के लिए सेवा का भाव भी उसमें होना चाहिए। और जो सेवा का भाव अगर है पूरे देश भर में किसी राजनीतिक दल में, मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी में है। पूरे देश भर में उस कोविड के संकट में मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हमारा साथी जो है, सहयोगी जो हमारे कार्यकर्ता, अपनी जान को भी खतरे में डाल करके आगे निकल करके काम करने के लिए बढ़ा है।